ये प्रोटेस्ट हमारा है आज जो बिजली विधेयक 2022 जो संसद में पेश कर दिया गया 8 तारीख को, ये एक तरीके से लोगों से किया गया वादा, किसानों से किया गया वादा, कंज्यूमर से किया गया वादा, उसके खिलाफ सरकार गई है। क्योंकि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था उस समय ये एक लिखित वादा हुआ था कि किसानों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, सहमति बना के, कंसेंसस के आधार पर ये बिल को पेश किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा अभी। लेकिन किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई बिल भी जो है वो ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा भी नहीं, इवन एमपीस को भी उसी टाइम दिया गया। तो ये एक तरीके का धोखा है। और ये बिजली बिल 2022 जो है, देखिए नुकसान इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हम चॉइस दे रहे हैं, मल्टीपल जो इसको कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो इसमें जो बिजली प्रोवाइडर्स होंगे, जो कि संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि जैसे मोबाइल में होता है, अरे भैया मोबाइल तो वायरलेस है, मोबाइल में तो यहाँ तो वायर सिस्टम है। और दूसरी एक बात है कि जहाँ मोनोपोली हो वहाँ कहाँ पर चॉइस रह जाती है, वहाँ तो आपस में जिस तरीके से ये जो द्वंद मचेगा, और ये जो रही खही भी जो व्यवस्था है ये भी धराशायी होने जा रही है। क्योंकि लोगों को बिजली प्रोवाइड करने का मन मर्जी के टैरिफ तय होंगे, उनको छूट दी जा रही है। बिजली बिल में ये एक सबसे बड़ा प्रावधान है कि कंज्यूमर्स को कोई जो इससे पहले जो उनको लीगल रेमेडी के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, वो लीगल रेमेडी अब उनके पास नहीं रहेगी। अब जो बिजली नियामक आयोग होगा उसके पास सारे अधिकार होंगे, और आप जो है वो किसी को अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होगी, और मनमाने तरीके से बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे, प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर्स का क्या हाल होगा आप समझते हैं कि सपोज़ करो अब तो मेरे पास बिल आता है और मैं अगर लेट वेट हो जाऊं तो लेट फी भर के उसको जमा करा देता हूं, लेकिन मैं अगर किसी वजह से पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया, मेरे बच्चे का कल एग्ज़ाम है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमार है घर में, लेकिन आप वो तो आपके जो ही वो कट बिजली कट हो जाएगी, अंधकार में जीना पड़ेगा लोगों को। ये जो ख़तरनाक स्थितियाँ जो प्रोविजंस इसमें पैदा किए गए हैं वो बिल्कुल रेट्रोग्रेड हैं, एंटी पीपल हैं, एंटी कंज्यूमर हैं, एंटी फार्मर हैं। फार्मर्स को क्या कहा जा रहा है कि हम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का हाल जो हमने सिलेंडर्स में देखा, गैस में सब्सिडी में देखा कि हम जो है पहले सिलेंडर खरीदो उसके बाद फिर आपको सब्सिडी आएगी, हालत क्या है आज सब्सिडी लगभग ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से ये एक तरीका है लोगों के सब्सिडी को ख़त्म करना, जो अब जो है क्रॉस सब्सिडी नहीं रहेगी, सबको एक ही रेट पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। यह एक सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है इसका, आप समझिए कि ये कंकरेंट लिस्ट में था, ये जो कंकरेंट लिस्ट में था अब जो है इसको, मतलब ये इस बिजली विधेयक में ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ऑल पावर्स विल लाई विद द सेंटर, स्टेट्स को कोई उसमें अधिकार नहीं रहेगा। उनको कहा गया अगर तुम्हें किसी को कंज्यूमर्स को देना है तो वो आप वो बिजली खरीदेंगे, उसके बाद आप ये दीजिए। सो दीज आर रेट्रोग्रेड स्टेप्स विच आर एंटी कंज्यूमर, एंटी पीपल, एंटी फार्मर, एंटी नेशन। ये सारा किस लिए खेल किया जा रहा है? टू प्रोवाइड कॉरपोरेट्स ए फील्ड टू रीप मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो खरीदनी पड़ेगी, वो आपकी मजबूरी है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। आज जैसे पानी और हवा के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही बिजली के बिना आज सभ्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज इससे मोबाइल चलता है, आज इससे मतलब इंटरनेट चलता है, आज इससे हर चीज़, माने शिक्षा इससे जुड़ी हुई है, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस, परिवहन इससे जुड़ा हुआ है। तो बिजली जो है वो एक ऐसा मतलब सदाबहार क्षेत्र है जहाँ मुनाफा कमाया जा सकता है, और आज जो जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि कोल इंपोर्ट करने के लिए ज़बरदस्ती की गई, कि अरे हमारे देश में कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, कोयले का भरपूर उत्पादन, कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड जो है भरपूर उत्पादन कर रहा है, लेकिन
अडानी साहब के ऑस्ट्रेलिया के खदानों से कोयला आना है, 10% एक मैंडेटरी है, आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वरना देखिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा वरना आपको मतलब जो सप्लाई किया जा रहा है कोल इंडिया से दैट विल बी कट बाय 5%। ये पेनलाइज करना, इस तरीके से प्रेशराइज करना, इस तरीके से कॉरपोरेट को सरासर नग्न रूप में नेकेडली उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, और ये एक मतलब इट विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल।